नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में राजमाता माधवी राजे को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे 99 साल के बुजुर्ग को चक्कर आ गए। ज्योतिरादित्य ने तुरंत बुजुर्ग को संभाला। सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी पानी लेकर आई। सिंधिया ने अपने हाथ से बुजुर्ग को पानी पिलाया। सिंधिया दंपति ने अपने रुमाल को पानी में भिगोकर बुजुर्ग की आंखों, गर्दन और चेहरे को पोंछा। महाराज और महारानी की सेवा देखकर बुजुर्ग भावुक हो गए। सिंधिया दंपति की संवेदनशीलता का यह वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 99 साल के गणपत राव व्यापारी हैं। गणपत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सदस्य रहे हैं। गणपत रविवार को राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अचानक चक्कर आने पर सिंधिया और उनकी पत्नी ने गणपत राव की 20 मिनट तक परिवार के सदस्य की तरह देखरेख की। हालत में सुधार होने पर अपने केंद्रीय मंत्री ने अपने कर्मचारियों से बुजुर्ग को घर तक छोड़ने के लिए भी कहा। सिंधिया दंपति के सेवा भाव से भावुक होकर बुजुर्ग ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि आपके कदम कभी नहीं रुके और आप हर दिन के साथ तरक्की करते चले जाएं। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री व सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह रविवार को ग्वालियर पहुंचे। साथ में उनकी पत्नी भी थीं। दोनों जय विलास पैलेस में स्थित रानी महल में श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया से बात करते हुए वीके सिंह ने कहा कि बहुत दुखद समय है। जिस प्रकार से सिंधिया ने आखिरी समय में मां की सेवा की है, वो वाकई में जताता है कि वह राजमाता से कितना स्नेह करते थे। हो गया